ये अभी हम लोग जहाँ पे पहुंच रहे हैं ये बनने वाला है मुंबई गोवा हाईवे का शायद से फर्स्ट टोल प्लाजा। आते वक्त बंद था, पता नहीं अभी चालू है कि नहीं, बट भाई साहब इतने अच्छे रोड के बाद टोल बनता है भाई। मेरे से अगर अभी बंद है तो अभी ले लो, अभी भी दे देता मैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो। और आज है एक नया दिन और शायद से मेरा आखिरी दिन इन कोकण, बिकॉज कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है मुंबई के लिए। एक ज़रूरी काम आ गया है जो नेक्स्ट वीक के मिड में शायद से वेंसडे या ट्यूसडे पे है, तो यार वीक डेज पे ट्रैवल नहीं करना है, इसलिए अभी वीकेंड पे ही निकलते हैं। मुंबई जाएंगे, एक दिन बैठ के चिल मारेंगे तो फिर थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा और चार्ज अप भी हो जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जो ग्राम देवत है गांगेश्वर, उनके मंदिर में कल निकलना है, तो सुबह जाने के पहले एक बार दर्शन कर लेंगे और वहाँ पे थोड़ा आधा एक घंटा मंदिर में बैठ के आराम से अच्छे से स्पेंड करेंगे और फिर जाएंगे हम लोग दुकान पे और वहाँ पे मस्त इवनिंग पे बैठ के सनसेट देख के चिल मारेंगे। तो भाई पहुँच चुके हैं मंदिर के इधर, ये पीछे हमारा मंदिर, बहुत मस्त लग रहा है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है, पता नहीं क्या चेंज लग रहा है। मैं भी यही बोल रहा था, स्नेहा भी बोल रही थी, पूजा भी वही बोल रही थी, बट क्या चेंज लग रहा है एग्जैक्टली पता नहीं, अंदर जाके देखते हैं। तो भाई दर्शन लेके हो गया है, अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा दुकान पे, वहाँ पे बैठेंगे थोड़ा चिल मारेंगे, सनसेट देखेंगे और वही अपना पुराना यहाँ का लोकल कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पियेंगे, यहाँ का लोकल फूड खाएंगे, अरे वड़ो चाय वड़ो यानी क्या क्या मिल जाता। आपको मिलता हूँ मैं कल सुबह, बस अभी थोड़ा फैमिली टाइम और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें, आपको मिलता हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग भाई लोग, यार एकदम कोजी और एकदम ठंडी ठंडी मॉर्निंग है यार यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सूरज देवता ऐसे ऊपर आया है तो यहाँ पे थोड़ी धूप सेकने के लिए खड़ा हूँ यार, मतलब अभी जस्ट एक आधा घंटा पहले ही बारिश होके गई है, मतलब कहाँ से बारिश हुई पता नहीं और ठंडी एक्स्ट्रा बढ़ गई है। बट एनीवेज अभी हम लोग भाग रहे हैं मुंबई के लिए, आज सोचा बहुत सुबह सुबह निकलेंगे बट थोड़ा बहुत हो ही जाता है तो कोई नहीं, बट हम लोग ऑलमोस्ट ऑन टाइम है। अभी फटाफट गर्मा गर्म चाय पीते हैं, मम्मी ने घावने बनाए वो भी खाएंगे एंड निकलेंगे। पहले थोड़ा सूरज देवता को हाय बोल देता हूँ। मोमेंट्स लेटर, तो भाई लोग ऑल सेट हो गया है और अभी बस निकलने के देरी है, मॉम डैड को उधर बाय बाय बोलते, टाटा बाय बाय, चलो काजी गया वो दिखा दिखा जाओ ना, रड़त बसु नको का रड़ते मॉम ना, चलो काय रड़ता है मारा मन रड़ता है अभी रोने ना का काम चालू हो जाएगा लोग का, ए उगा दे करू ना का यार, चला ये तो आ भी लगे अभी महीने भर में वापस आना ही है, टेंशन नहीं है, चला गणपति बप्पा मोरिया बाय बाय, फोन कर दो चल। हाँ भैया सब कुछ ले लिया था बट फिर भी ऐसे ऐसे लग रहा था कि कुछ कुछ सामान थोड़ा थोड़ा शॉर्ट है, मतलब कुछ ऐसे देने के लिए, और एक मालवानी खाजा और ये सब, तो वापस रुके थे कनकौली में, सब कुछ ले लिया है अभी एंड फाइनली अभी ऑलमोस्ट आता नॉन स्टॉप दौरा। तो भैया मुंबई है 421, देवगढ़ है 52, रत्नागिरी 125, कोल्हापुर 112 और मेरा गाँव है यहाँ से 13। तो हम लोग सोच रहे थे यार इन लोग का थोड़ा सा ऐसे इमोशन इमोशन चल रहा था, वापस जाए ना जाए ऐसे डाउट में है। कैसे भरत भाई छुट्टी डाकना रे, हंस रही है लफड़ा,
चलो अभी निकल गए तो निकलते हैं। चलो टेक केयर मॉम डैड, हम लोग अभी भागते हैं मुंबई के लिए। लौकर ही भैया पर देता है, हमें लौकर अभी। हम लोग रुके हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे देवी का मंदिर है, नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आदिष्टी माता या आदिरथी माता ऐसे कुछ है, चाड़ा मंदिर, जो तळेरे क्रॉस करने के बाद कुछ किलोमीटर पे ऊपर घाट चढ़ के आने के बाद आपको लगता है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यूजुअली यहाँ पर सब लोग यहाँ से जो मुंबई की तरफ जाते हैं वो लोग रुकते हैं, या फिर जाते वक्त एक आध दूसरा हॉर्न मार के आगे बढ़ते हैं, और जो लोग रुकते हैं वो लोग देवी से प्रार्थना करते हैं, देवी के चरण छूके को कहते हैं कि भाई हमारी जो आगे की यात्रा है वो एकदम अच्छे से जाए और निर्विघ्न होकर नहीं जाए। तो अभी कोई पूजा कर रहा है तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, उनकी शायद होने को ये पूजा। ये भाई साहब को खाली चांस ये रहता है कि गाड़ी थोड़ी देर रुके और मैं नीचे घूमूं। देखो 2 मिनट के लिए भी रुका था, मतलब ज़्यादा हो गए, 5-10 मिनट हो गए, बट फिर भी इसको बाहर घूमना है। ओ यार, मतलब ऐसे लग रहा है कुछ दिनों में यहाँ पे पुणे एक्सप्रेस वे होने, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, खाली टोल लगने बाकी है। भाई रोड देखो, हाँ हाँ हम लोग जहाँ पे पहुंच रहे हैं ये बनने वाला है मुंबई गोवा हाईवे का शायद से फर्स्ट टोल प्लाजा। आते वक्त बंद था, पता नहीं अभी चालू है कि नहीं, बट भाई साहब इतने अच्छे रोड के बाद टोल बनता है भाई, मेरे से अगर अभी बंद है तो अभी ले लो, अभी भी दे देता हूँ मैं, आई एम दैट मच हैप्पी यार, सीरियसली। मतलब इतने सालों से यहाँ पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बट इतने गंदे रोड थे ना ये साल, भाई गवर्नमेंट ओपी भाई। मस्त रोड था यार, मतलब पूरा मक्खन रोड। अभी यहाँ से शायद राजापुर कुछ 8-9 किलोमीटर है, और आप देख सकते हो ये टोल प्लाजा है, मतलब आप जब मुंबई से आ रहे हो तो राजापुर छोड़ने के बाद 8-9 किलोमीटर पे आपको ये टोल प्लाजा आएगा, और यहाँ से जाते वक्त उसके पहले। तो शायद वो साइड पे भी उतने अच्छा रोड था जितना मुझे पता है, बट जैसे ही राजापुर एंड हो जाएगा गंदे रास्ते चालू होने वाले ऐसे मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, देखते आगे जाके किधर से खड्डे चालू होने वाले हैं वो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। बट भाई जितने भी लोग मुझे कह रहे थे ना कि भाई गोवा ट्रिप, मतलब गोवा नहीं सॉरी, मुंबई टू गोवा जो मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे है उससे अगर जा रहा है तो भाई संभाल के, बहुत ज़्यादा खड्डे है, बहुत गंदा रास्ता है। बट भाई आपको बोलता हूँ, बीच का जो रत्नागिरी वाला जो पैच है वो छोड़ के बाकी पूरा टाइम एकदम मस्त रोड थे। बट भाई रत्नागिरी में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन थे तो उसकी वजह से थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, बट कोई नहीं, ये जो रोड है ना उस पर चलाने को जो मज़ा आया ना भाई, एकदम एक नंबर। और अभी जैसे ये टोल प्लाजा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये लोग रोड भी अच्छे से मेंटेन करना स्टार्ट करने वाले, तो भाई लोग देख लो, ये है मुंबई गोवा हाईवे पे, मतलब मुंबई गोवा ओल्ड हाईवे पे बनने वाला ये फर्स्ट टोल प्लाजा लग रहा है मेरे को। मतलब उधर वो साइड भी बने हैं बट ये बहुत जल्द चालू हो जाएगा, बिकॉज इसका पूरा कंस्ट्रक्शन सब चालू हो गया, लोग भी यहाँ पे ऑलमोस्ट आ गए हैं, तो आई थिंक बहुत जल्द ये चालू होने वाला है। ये ऑलमोस्ट बन के रेडी है और सब एकदम, मतलब इट्स अबाउट टू जस्ट स्टार्ट। हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है कोई ऐसे अहमदाबाद हाईवे या फिर पूना नासिक हाईवे यार, मतलब पता नहीं किधर आ गए यार, एक नंबर। मैं बता रहा था, मेरे को लग ही रहा था जैसे हम लोगों ने वो टोल प्लाजा क्रॉस किया, 2-3 किलोमीटर अच्छे रोड गए, 4 किलोमीटर पकड़ लो, बट भाई ये देखो वापस अपने पुराने वाले रोड चालू, सब डाइवर्जन वाइवर्जन और एकदम, आई थिंक इन लोग का काम चालू है बट पता नहीं कब तक खत्म होगा। 20 minutes later भाई लोग, सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज जो पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि भाई एकदम गंदे रोड चालू हो गए, वहाँ से गंदे रोड स्टार्ट नहीं हुए थे, जो टोल प्लाजा हम लोगों ने क्रॉस किया उसके 2-3 किलोमीटर बाद ही एक छोटा पैच था, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का रहेगा, वो बहुत ख़राब था, उसके बाद में वापस एकदम जूम रोड, एकदम मतलब 80-100 के ऊपर ही गाड़ी भाग रही थी।
तो एकदम ऐसे लिंक लग गई तो मैंने शूट भी नहीं कर पाया। अभी हम लोग सीधा यहाँ पे लांजा में आके रुके हैं। यहाँ की एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने मतलब उनकी यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पे उन्होंने होटल कम लॉज यहाँ पे बांधा है। एंड भाई एक नंबर होटल है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अमृत इन करके है, अमृत टावर्स। तो इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट एक नंबर प्रॉपर्टी। तो अगर आप लोग मुंबई से गोवा जा रहे हो, तो मुंबई गोवा हाईवे पे हो और लांजा में हो, तो यू कैन स्टे हियर। आपको जैसे मैंने बताया, इट जस्ट नेक्स्ट टू लांजा डेपो। ये देखो मेरे पीछे ये है लांजा बस डेपो, और यहाँ पर है ये अमृत इन होटल। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, बिकॉज जब ये चालू हो जाएगा, ऑलमोस्ट एक आध महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा, बट एक नंबर प्रॉपर्टी, मज़ा आ गया। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। इन लोग का तो मतलब भरत मिला तो नहीं बोलता था, बिकॉज ये तो लेडीज थी, तो इन लोग का तो खत्म ही नहीं हो रहा था। सोचा था 15 मिनट खाली मिलके निकलना है, बट ये लोग मिले जा रहे, बातें चल रही है। एक डेढ़ घंटा ऐसे ही निकल गया यहाँ पे। अरे अभी आगे पहुँचना है, थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, तो शायद शूट थोड़ा कम करूँ। भैया ये है सिल्वर्ड राइड, और क्या बोलूँ मतलब, बढ़िया सा मसाज भी हो रहा है बॉडी का, क्या मजा आ रहा है। वाह वाह वाह, देख लो भाई देख लो। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना बहुत घटिया है, मतलब चिपड़ून के बाद वाला बहुत घटिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। और ये मतलब ये 2 मिनट का या 1 मिनट का नहीं है, मतलब ये अभी आएगा, फिर बाद में अच्छा रोड थोड़ा सा, फिर वापिस घटिया पैच, मतलब ठीक ही है। हाँ अभी अच्छे रोड पे लग गए, देखो फिर ऐसे, मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूस पैच है, कंटिन्यूस पैच होता वो तो निकल जाता है, बट अभी इसका कैसा है कि अभी आपने ऐसे पिकअप पकड़ लिया और वापिस वापिस थोड़े घंटे, मतलब ऐसा हो रहा है। तो बीच बीच में इन लोगों ने काम चालू रखा है, और बीच बीच में से पूरा ऐसे खोद के रखा है, तो ये रास्तों की वजह से नहीं है, ये यहाँ पे जो काम चालू है इसके वजह से खटे हैं, बिकॉज कच्चा रोड बन गया है, ये पक्का रोड तो गायब भी हो गया भैया। खेड़ है ना, रहना था हाँ। तो शायद ये खेड़ के इधर का ये टोल है, बट इसको बनते बनते तो मेरे को लग रहा है और एक 6-7 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे, और ये कब बन के रेडियो का पता नहीं। और यार ये टोल में इतना मजा नहीं आया जितना वो वाले टोल में आ गया था यार, मतलब वो राजापुर वाला जो टोल था उसके पहले और बाद में जो रोड थे भाई, यहाँ पे उतना मजा नहीं दिख रहा है। भैया ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच मारा है, लंच के लिए रुके थे, उसके बाद में जो स्ट्रेच मारा है भाई, सीरियसली ऑलमोस्ट वैसे पूरा सब पीठ पकड़ ली थी। तो एक चाय ब्रेक बनता था, इसलिए हम लोग अभी रुके हैं। आई स्वेयर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉश आउट हो रहा है। तो अभी हम लोग रुके हैं जोशी वाड़े वाले, जहाँ पर हम लोग जाते वक्त भी रुके थे, तो सोचा यार एक चाय मारते हैं और देखते हैं अगर गर्मा गर्म वड़ा या फिर कांदा भाजी मिल जाए। भाई चाय पी के हो गया है, और यो भाई साहब का हमारे सुसु ब्रेक चल रहा है, तो जैसे उसका सुसु ब्रेक होता है निकलेंगे यहाँ से, और मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट घर पे ही जाएंगे, देखते। फाइनली पहुंच चुके हैं घर, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है, मतलब आपको क्या क्या बोलूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में मैं शूट नहीं कर पाया, मेरा जो लास्ट स्टॉप था जोशी वड़े वाले का, वहाँ से हम लोग जैसे ही निकले गंदे ट्रैफिक में अटक गए, एंड आई वॉज अबाउट टू शूट द ट्रैफिक, और मेरा मोबाइल डेड हो गया। पहले ही कैमरा डेड हो गया था, बाद में मोबाइल डेड हो गया, मतलब भाई पूछो मत, और बाद में वो गंदा वाला ट्रैफिक, कैसे तैसे करके हम लोग मुंबई पहुँचे। तो भाई मुंबई में आके तो उससे ज़्यादा वाला ट्रैफिक, मतलब पूरा पवई एंड JBLR वाला, मतलब
भैया मतलब आज हम लोग की पूरी बैंड बजाने की सोच ही ली थी लोगों ने, मतलब उस ट्रैफिक की तो मतलब ऐसे बीप की बीप की बीप ऐसे हो गया था मेरा। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। बट कैसे जैसे हम लोग घर पे पहुंचे हैं और मोबाइल आते ही उन्होंने चार्जिंग पे डाल दिया, फिर सब सामान वामान सब अनलोडिंग करके अभी रखा, एंड अभी फाइनली मैं मेरा व्लॉग आज यहीं पे एंड करने के लिए बैठा हूँ। इनफैक्ट गाइस आज ये व्लॉग के साथ साथ मेरा जो पूरा कोकण ट्रैवल सीरीज था वो भी एंड हो रहा है। मतलब यार बहुत अच्छा लगा, जस्ट आप लोगों को मुझे पूरा कोकण ट्रैवल करवाना था तो वो एक सीरीज में तो होने से रहा, अपना ही गावे बाद में जाते ही रहने वाले हैं हम लोग। तो इस बार मैंने ट्राई किया आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो मुंबई से लेके सिंधुदुर्ग तक की जो जर्नी है वो दिखाऊँ, एंड टू एंड फ्रो दिखाई है मैंने, एंड वहाँ पे जो सिंधुदुर्ग में जितना हम लोग घूमे हैं मैंने ट्राई किया अंदर अंदर जाके घूमने के लिए। वहाँ पर भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर हम लोग जाएंगे इन फ्यूचर, और सिंधुदुर्ग हो गया, रत्नागिरी है, फिर उसके पहले महाड़, ये सब जगहों पर जाना बाकी है अभी तो जाएंगे, सब लाइनअप है। बट अभी के लिए ये कोकण व्लॉग सीरीज यहीं पे एंड करते हैं, अभी के लिए ये कोकण ट्रैवल सीरीज यहीं पे एंड हो रही है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भाई 7 दिन के लिए मैं पकड़ के गया था, 7 दिन में पूरा सब छान वान के एकदम मस्त से आराम से शूट किया, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा घूमे हम लोग। बट फिर जब निकलने वाले थे तब ऐसे लग रहा कि यार गांव आए, ऐसे ऐसे रह के जा रहे वाली फीलिंग नहीं हुई, मतलब 7 दिन में मतलब क्या ही है, आए गए ऐसे हो गया। तो वो स्टे एक्सटेंड होते होते भैया आज हो गए हैं 21 दिन, मतलब पूछो मत, आई एम सॉरी थोड़ा हंसने आ रहा है, मतलब हम लोग भी यही सोच के हंस रहे थे यार, मतलब 7 दिन के लिए गए थे और 21 दिन रह के आ रहे, बट सही लगा, मज़ा आ गया, क्या क्लाइमेट है भाई। अभी अपनी ये जो बातें हैं वो हमेशा चलती रहने वाली है, ये ख़त्म होने वाली है नहीं, मैं ऐसे ही बड़बड़ाता रहने ही वाला हूँ, बट आज थोड़ा टायर्ड हूँ तो अभी के लिए भागता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी पूरी की पूरी कोकण ट्रैवल सीरीज ज़रूर पसंद आई होगी, भाई पसंद आए तो सारी की सारी वीडियोस पे ज़रूर लाइक ठोक देना, और नहीं देखी है तो भाई सब लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन घूमे हैं हम लोगों ने, तो प्लीज़ यार जाके देख लो एक बार। और इसी के साथ साथ आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग भी ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और उसी के साथ साथ बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। भाई आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और दिन किसी और जगह, टिल देन यू गाइस खात रहो फिरत रहो एकदम मजेत रहो, एंड प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल एंड नेचर।